नमस्कार, मैं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य से जुड़े सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। मराठा साम्राज्य, जो कि भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक माना जाता है, ये विजयनगर साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य की तरह स्वर्णिम इतिहास तो इसका नहीं रहा। यहाँ पर कोई ज़्यादा स्थापत्य कला का विकास नहीं हुआ, लेकिन वीरता का इतिहास या फिर वीरों का स्वर्णिम काल मराठा साम्राज्य में रहा। एक से बढ़कर एक रणबांकुरे हुए जिन्होंने मुगलों को परास्त कर दिया। जब आप ये जानते हैं कि एक ताकतवर व्यक्ति किसी कमजोर को हराता है, तो एक सामान्य सी बात मानी जाती है, लेकिन जब एक कमजोर व्यक्ति अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर व्यक्ति को हरा देता है, तो इतिहास बन जाता है। और यही इतिहास बनाने का कार्य किया महाराजा छत्रपति शिवाजी और उनके वंशजों और पेशवाओं ने। दोस्तों, मराठा साम्राज्य, जो कि एक बहुत बड़ी शक्ति थी, एक समय पर इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगलों के संरक्षक के रूप में कार्य किया। हम जानने का प्रयास करेंगे कि मराठा साम्राज्य या फिर छत्रपति महाराज से जुड़े उन सभी वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में जो अलग-अलग परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चाहे आप एमए के विद्यार्थी हो या फिर किसी क्लास के या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, इस पुस्तक के जरिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताऊंगा। और ये पुस्तक है हरीश कुमार खत्री की। आपको बता दूं, ये पुस्तक है कैलाश पुस्तक सदन भोपाल की। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रख्यात पुस्तक है मराठों इतिहास के बारे में, और इसीलिए आपको ये जानना चाहिए कि आप इस वीडियो को ध्यान से देख सकें। आइए शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं मराठा इतिहास के प्रमुख वैकल्पिक प्रश्न। यहाँ पर चार ऑब्जेक्टिव देने के बजाय मैंने सीधे आंसर लिखा हूँ, और मैं आपको सामान्य रूप से पढ़कर समझाऊंगा, और हो सके तो इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इनसे जुड़े किसी भी बेहतर से बेहतर जो लेक्चर है वो देखना चाहते हैं, तो आप मराठा नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। मराठा इतिहास के स्रोत एवं मराठों का उदय, ये पहला चैप्टर है। कुल मिलाकर इसमें 28 चैप्टर हैं, और उन 28 चैप्टर्स से हमने ऑब्जेक्टिव्स को निकाले हैं। मराठा साम्राज्य का विस्तार कहाँ हुआ? आपको ये बताना है कि मराठा साम्राज्य भारत के किस राज्य में था, तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से मराठा। मराठा शासन के संस्थापक कौन थे? शिवाजी महाराज। लेकिन जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि मराठा प्रभाव के जनक कौन थे, या फिर किसके काल में मराठा प्रभाव बढ़ा, तो शिवाजी के पिता संभाजी महाराज। क्योंकि भले ही वे बीजापुर या गोलकुंडा सुल्तानों के अधीन रहे या फिर वो आगे चलकर मुगलों के अधीन रहे, लेकिन उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि गोलकुंडा हो या फिर बीजापुर हो, यहाँ पर के जो शासक थे वे भी इस बात से डरते थे कि कहीं अगर शाहजी ने विद्रोह कर लिया तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। इसलिए जो इनके पिता थे शाहजी भोसले, उनका प्रभाव ज़्यादा था और वे मराठा प्रभाव के जनक माने जाते हैं। शिवाजी दिग्विजय नाम के जो किताब रही, जिसमें महाराज छत्रपति शिवाजी से संबंधित वर्णन मिलता है, उसके लेखक है खंडोबल्लाल। प्रमुख मराठी वीर काव्य है अफजल खां। अफजल खां नाम का एक ग्रंथ है। कुल मिलाकर जो अफजल खां था, जिसकी हत्या इन्होंने 1659 में की थी, तो जो अफजल खां था इसकी हत्या का वर्णन मराठा साम्राज्य की इस किताब में आपको मिलेगा, और ये एक प्रकार से वीर काव्य है। दोस्तों, जो अफजल खां था ये बीजापुर के सुल्तान का एक सेनापति था, और कहते हैं कि इतना भारी था कि घोड़े भी इसका वजन उठाकर नहीं चल पाते थे, और या तो वो मर जाते थे आगे चलकर, या फिर वो आगे चलने से इनकार कर देते थे। और ये बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा इंसान था और बहुत ज़्यादा फुर्तीला था। इसने छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में कहा था कि वो एक चूहा है और मैं उसे कुचल दूंगा, और बिना घोड़े से उतरे बगैर मैं उसे उठाकर ले आऊँगा। इसका प्लान ये था कि जब ये शिवाजी से मिलने जाएगा, तो ये धोखे से
उन्हें पकड़कर मार देगा। और ये इतना शक्तिशाली था, इसके विषय में कहा जाता था कि जब भी इसे किसी को मारना रहता था तो उससे गले मिलता था और उसे इतनी जम से दबाता था कि उसकी पूरी हड्डियाँ चूर चूर हो जाती थी। तो जब इसने शिवाजी महाराज को गले लगाया तो उन्हें दबाने की कोशिश की, और महाराज शिवाजी पहले से ही जानते थे कि अफजल खां ऐसी की कूटनीतिक चाले चलता है, इसीलिए उन्होंने अपने हाथ में बगनखे पहन रखे थे। आप चाहे तो गूगल या यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं कि बगनखे क्या होते हैं। कुल मिलाकर उंगलियों में छिपाए थे उन्हें, और उससे फिर उन्होंने अफजल खां का पेट फाड़ दिया और वहीं पर अफजल खान का अंत हो गया। यहाँ पर इतिहासकार इस विवाद में रहते हैं कि पहला हमला किसने किया था, लेकिन ज़्यादातर या फिर जैसे सर जदुनाथ सरकार जैसे मराठा साम्राज्य से जुड़े प्रसिद्ध इतिहासकार यही मानते हैं कि अफजल खान ने पहला हमला किया था। इसके बाद देखते हैं, फ्रेंच भाषा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मराठा साम्राज्य से संबंधित, तो वो है मेमयास। मेमयास मराठों के उदय के क्या कारण थे, ये ना केवल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा बल्कि ये 5 नंबर का प्रश्न है, इसीलिए इसे आप पॉइंट्स में याद कीजिएगा। पहला है भौगोलिक परिस्थितियाँ, छापामार पद्धति इनकी, और धार्मिक आंदोलन, शिवाजी के उदय, ये सभी कारण हैं मराठों के उदय के कारण। आप लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिर सातवा आता है 91 कलमी खबर लिखा गया। यह एक ग्रंथ है, यह कब लिखा गया, तो 1700 के बाद इसे लिखा गया है। इसके बाद में हम दूसरे अध्याय में आते हैं, शाहजी शिवाजी के पूर्वज। दोस्तों शाह भारत में यूरोपियनों का आगमन कब हुआ था, तो 16वीं शताब्दी में यूरोपियनों का आगमन हुआ था। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी। शिवाजी किस परिवार से थे, तो वे भोसले परिवार से थे। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो 1627 में हुआ था। शिवाजी के जन्म के विषय में आपको बता दूं कि विवाद रहता है कि कहीं उनका जन्मदिन 20 अप्रैल 1627 बताया गया है, तो कहीं उनका जन्मदिन 1630 बताया गया है। लेकिन जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वहाँ पर 1627 लिखा है, और जो मुगलों के रिकॉर्ड थे जहाँ पर शिवाजी के जन्म के विषय में जानकारी मिलती है वहाँ पर भी 1627 लिखा गया है। लेकिन जहाँ पर ऐसे विवादास्पद प्रश्न रहते हैं वहाँ पर अक्सर पूछा नहीं जाता है जन्म के विषय में, क्योंकि यह डेट बहुत विवादास्पद है। लेकिन कभी किसी परीक्षा में पूछ ली भी जाए तो या तो 1627 रहेगा या फिर 1630 रहेगा। अगर दोनों रहेंगे तो आपको 1627 लगाना है, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें बहुत ज़्यादा मान्य रहती हैं और उनमें 1627 है। दोस्तों शिवाजी की माता का नाम क्या था, जीजाबाई। शाहजी शिवाजी के जो पिता थे उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी 1664 में, और 1664 में ही इन्होंने सूरत की लूट भी की थी। और इसके बाद हम देखते हैं मराठा प्रभाव के जन्मदाता कौन थे, तो शाहजी भोसले। इन दोनों प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मराठा साम्राज्य के जन्मदाता कौन थे और मराठा प्रभाव के जन्मदाता कौन थे। मराठा प्रभाव को फैलाने में शाहजी भोसले का बहुत ज़्यादा योगदान था, लेकिन इन्होंने एक अलग राज्य न बनाकर ये बीजापुर के सुल्तान या फिर गोलकुंदा और आगे चलकर मुगलों के अधीन ये कार्य करते रहे, और आगे जाकर बेंगलोर में ये रहने लगे। इसके बाद आपको देखना है तीसरा जो अध्याय है वो है शिवाजी का उदय व हिंदवी स्वराज की स्थापना। शिवाजी के पूर्वज किस वंश के थे, तो वे सिसोदिया वंश के थे। कहते हैं कि जब 1303 में जब मेवाड़ में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो वहाँ पर जो सुजान सिंह और सज्जन सिंह नाम के दो शासक वर्ग से संबंधित लोग थे, वे आगे चलकर यहाँ पर आए और गुजरात राजस्थान होते हुए महाराष्ट्र में आकर बस गए, और उनकी आने वाली ही पीढ़ियों में शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी का जन्म शिवनेर में हुआ था, और इनके जन्म के विषय में भी कहानी है कि शिवनेर के किले में जन्म होने के कारण इनका नाम शिवाजी पड़ा। और दूसरी किंवदंती ये है कि भगवान शिव की भक्त थी इनकी माँ, इसलिए इनका नाम शिवाजी पड़ा। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि शिवाजी के प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो इनके विषय में 2 नंबर में भी प्रश्न आता है, इसलिए आप इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले तो थी इनकी माता जीजाबाई, और दूसरे थे गुरु रामदास, और तीसरे आते हैं संत तुकाराम। चौथा प्रश्न आता है कि शिवाजी का उद्देश्य क्या था साम्राज्य बनाने में। हिंदू स्वराज की स्थापना इनका प्रमुख उद्देश्य था, और शिवाजी की जो हिंदवी स्वराज की अवधारणा थी
वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं मानते थे कि सिर्फ कट्टर हिंदुत्व हो, कोई मुस्लिम ना हो, या फिर कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई सिख ना हो, ये ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे। ये मानते थे कि जितनी स्वतंत्रता मुगल मुस्लिमों को दे रहे हैं, मैं उतनी स्वतंत्रता हिंदुओं को दूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मुगलों के लिए नया कर बना दूंगा, नहीं, सभी के लिए समानता रहेगी। दरअसल उस समय स्थिति ये थी कि जो औरंगज़ेब था वो जजिया कर हिंदुओं से लेता था, तीर्थ कर लेता था और मुस्लिमों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और गैर मुस्लिमों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। तो शिवाजी के मानना था कि मैं एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करूंगा जहां पर हिंदुओं और सभी धर्मों में मैं समान व्यवहार करूं। इसीलिए इनकी जो हिंदवी स्वराज की अवधारणा थी वो समानता की अवधारणा थी, ना की कट्टरवादी धार्मिक अवधारणा। शिवाजी के गुरु थे दादा कोंडदेव, या आध्यात्मिक गुरु नहीं थे ये, इन्हें शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा मिली इन्हें या फिर जो कौशल मिला इन्हें युद्ध से संबंधित, वो दादाजी कोंडदेव ने दिया था। और दादाजी कोंडदेव जो थे वो इनके पिता शाहजी भोसले के मित्र थे और उन्होंने इन्हें भेजा था इनके पास में। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवाजी का बीजापुर से संबंध क्या था। तो अब यहाँ पर बीजापुर पर इनका आक्रमण, या फिर जो अगला चैप्टर है चौथा, बीजापुर की सत्ता के विरुद्ध शिवाजी का संघर्ष काल 1652 से लेकर 1662, ये इनका पहला चरण आता है। मराठा साम्राज्य शासन पर लिखने वाला प्रसिद्ध लेखक है तो सर देसाई, और सर जदुनाथ सरकार भी प्रमुख लेखकों में से एक है। और शिवाजी ने शासन स्थापना करते समय किस शासक से संघर्ष किया था, तो बीजापुर के शासक से संघर्ष किया था, क्योंकि बीजापुर के अधीन ही शुरुआती तौर पर इनके पिता शाहजी भोसले थे। दोस्तों शिवाजी का मुगलों से संबंध पांचवा अध्याय आता है और इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है औरंगजेब का बीजापुर पर आक्रमण कब हुआ। तो 1656 में औरंगजेब का बीजापुर पर आक्रमण होता है। और सिंहगढ़ कहाँ स्थित है, क्योंकि सिंहगढ़ का किला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो पूना के दक्षिण में सिंहगढ़ का किला स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने स्तर पर इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से देखना है। दो तीन बार आप जब वीडियो को देखेंगे तो 123 पूरे ऑब्जेक्टिव हैं, 123 में से कम आपको 70-80 तो अच्छे से ध्यान से समझ में आ जाएंगे। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए उम्मीद है कि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। आइए देखते हैं कि सूरत की प्रथम लूट कब हुई थी। तो 1664 में जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी उसी समय इन्होंने सूरत की लूट की थी। आप चीज़ों को लिंक कर सकते हैं, 1664 में ही इनके पिता की मृत्यु हुई और 1664 में ही इन्होंने सूरत की लूट की। सूरत की लूट से इन्होंने 1 करोड़ रुपयों से ज़्यादा की लूट की थी और ये उस समय सबसे बड़ी लूट थी। 1675 में शिवाजी ने किन दो नगरों को जीता था, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए ऐसे ही छोड़ूंगा जिनके बारे में आपको पता लगाना है और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं शिवाजी का जय सिंह से क्या संबंध था, आगरा में औरंगजेब की कैद से शिवाजी किस प्रकार निकलते हैं फलों की टोकरियों में छिपकर। जो उनके दादाजी कोंडदेव गुरु थे उन्होंने इन्हें ये शिक्षा भी दी थी कि कभी अगर तुम इस तरह की परिस्थिति में फंस जाओ तो किस तरह से तुम्हें भेष बदल कर निकलना है। इसलिए ये भेष बदलने में बहुत ज़्यादा माहिर थे और इसका श्रेय जाता है दादाजी कोंडदेव को। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव है मुगल सम्राट औरंगजेब सिंहासन पर कब बैठा। 1658 में ये सिंहासन पर बैठता है और 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये अपने पिता जो शाहजहाँ थे उन्हें उनके ही ताजमहल में कैद करने के बाद में गद्दी पर बैठा था, और अपने 4 भाइयों की हत्या करने के बाद में ये बैठा था, जिसमें से एक भाई था दारा शिकोह, जिसे कि दूसरा अकबर या फिर दूसरा अकबर भी कहते हैं। और लोग मानते हैं कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह गद्दी पर बैठते तो ठीक वैसे ही भारत की स्थिति होती जैसे अकबर के समय पर स्थिति थी, क्योंकि जो दारा शिकोह था वो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था और सभी धर्मों का सम्मान करता था, जबकि जो औरंगजेब था वो अपने आप को कट्टर सुन्नी व्यक्ति मानता था। अब हम देखते हैं शिवाजी ने आगरा यात्रा कब से प्रारंभ की। तो 1666 में इन्होंने आगरा यात्रा प्रारंभ की। शिवाजी का दक्षिण अभियान देखते हैं, तो शिवाजी के दक्षिण अभियान में ऑब्जेक्टिव आता है
गोलकुंडा की संधि किसके मध्य हुई थी? शिवाजी व कुतुब शाह के मध्य। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है। हालांकि राज्याभिषेक के 10 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। तो उसके बाद जब 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ तो इन्होंने इलाहाबाद से गंगाधर भट्ट नाम के एक पंडित को, प्रकांड विद्वान थे, उन्हें बुलाया था और अपना राज्याभिषेक करवाया। लेकिन जब 10 दिन बाद इनकी माता का निधन हो गया तो फिर इन्होंने कर्नाटक से एक एक नए व्यक्ति को बुलाया और फिर अघोरी पद्धति से इन्होंने अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया था। फिर हम देखते हैं कि शिवाजी ने कर्नाटक अभियान कब आरंभ किया था। तो शिवाजी ने 1677 में कर्नाटक अभियान किया था और जंजी जैसे प्रसिद्ध किलों को उन्होंने जीता था और जंजी को इन्होंने दक्षिण की राजधानी भी बनाया था। हालांकि 1680 में इनका देहांत हो गया था। जंजी क्या है? तो बीजापुर का प्रसिद्ध दुर्ग है जिसे इन्होंने 1677 के अभियान के दौरान जीता था। दोस्तों अब हम देखते हैं कि 8वां चैप्टर है और कुल 28 चैप्टर है, यानी कि अभी 20 चैप्टर और बाकी है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अपने पेशेंस यानी कि सब्र के बांध को बनाए रखें और वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि ये चीज़ें हमारे और आपके लिए ही है। शिवाजी का यूरोपियनों से क्या संबंध था? यूरोपियन में वे सभी आ जाएंगे, जैसे कि डच, पुर्तगाल, जो जितने भी यूरोपीय व्यापारी थे वे सभी आ जाएंगे। अंग्रेज व्यापारियों का भारत में आगमन कब हुआ? तो 17वीं शताब्दी में। शिवाजी का अंग्रेजों से प्रथम संघर्ष कब हुआ? शिवाजी का अंग्रेजों से पहला जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था 1660 में। कोंकण पर शिवाजी का अधिकार कब हुआ? 1657 में। कोंकण का प्रसिद्ध किला है, इसीलिए याद रखिएगा कि कोंकण पर शिवाजी का अधिकार कब हुआ? 1657 में। प्रारंभ में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठियाँ कहाँ स्थित थी? हुबली में। शिवाजी का शासन प्रबंध एवं व्यक्तित्व के बारे में चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि शिवाजी द्वारा निर्मित मंत्री परिषद यानी कि अष्ट प्रधान। मंत्री परिषद को क्या कहते हैं? अष्ट प्रधान या फिर अष्ट दिग्गज भी कहते हैं इसे। इसमें 8 मंत्री होते थे और शिवाजी के मंत्रिमंडल की खासियत ये थी कि ये इनका जो मंत्री परिषद थी वो योग्यता के आधार पर थी, यानी कि वंशानुगत न होकर योग्यता के आधार पर थी। ठीक है, अब अष्ट प्रधान में राज्य के मंत्री प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा। और इनका जो अष्ट प्रधान था वह संस्कृत से प्रभावित था, इसलिए ज़्यादातर मंत्रियों के नाम हम जैसे आमत, सुमंत जैसे हम देखते हैं संस्कृत में हमें दिखता है। शिवाजी की धार्मिक नीति क्या थी? तो शिवाजी की धार्मिक नीति थी हिंदू नीति, उदार व सहिष्णु नीति, सभी धर्मों के प्रति उदार नीति थी और इसे ही हिंदू शाहीन की नीति कहते हैं। आपको वो लेक्चर ध्यान से देखना चाहिए जिसमें हिंदू पदशाही जो इन्होंने अपने आप को कहा था, जो उपाधि धारण की थी हिंदू पदशाही, या फिर जो इनका हिंदुत्व की अवधारणा थी, उसका चैप्टर आपको जरूर देखने चाहिए। चौथा आता है कि शिवाजी के राजस्व के स्रोत क्या थे? पहला भूमिकर, चौथ और स्वदेशमुखी, ये इनके प्रमुख टैक्स थे जिनसे इनका शासन चलता था। शिवाजी की युद्ध पद्धति क्या थी? छापामार युद्ध पद्धति, जिसमें अचानक से चारों तरफ से मिलके आपको बहुत मारा जाता है। और छापामार पद्धति इसीलिए इन्होंने अपनाई क्योंकि जो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति थी उस स्थिति के कारण छापामार का जो जन्म हुआ। और छापामार शुरुआत किसने की थी? तो छापामार अहमदनगर का जो प्रधानमंत्री था मलिक अंबर, उसने छापामार पद्धति को बढ़ावा दिया था और उसी से सीखे थे किसने? शाहजी भोसले ने। और शाहजी भोसले ने अपनी मराठा सेनाओं को सिखाया था और मराठा सैनिक जब शिवाजी से मिले तो फिर शिवाजी का प्रभाव इसमें पड़ा और फिर छापामार पद्धति इस प्रकार इन्होंने अपनाई। छापामार पद्धति के कारण ही हम ये कह सकते हैं कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को, उस पद्धति को ना अपनाने के कारण ही तीसरे पानीपत के युद्ध में जो मराठे थे वो हार गए थे, क्योंकि वो युद्ध हुआ था पानीपत के मैदान में
और छापामार पद्धति वहाँ पर अपनाई नहीं जा सकती थी। और ये कुशल थे पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर जंगली क्षेत्रों में लड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पर छापामार पद्धति अपनाकर इन्होंने बड़े बड़ों को ज़मीन पर लाया था। फिर हम देखते हैं शिवाजी के सैनिक प्रबंध में किसका महत्व अधिक था, तो सबसे ज़्यादा महत्व पैदल सैनिकों का था। फिर जो उनके दुर्ग थे या फिर किले थे उनका महत्व था, क्योंकि वो ऊँचे स्थान पर प्राकृतिक स्थान पर बने हुए थे और ज़्यादातर किले प्राकृतिक किले थे और उनमें ज़्यादा कुछ किया नहीं गया था। आज भी आप जब महाराष्ट्र में किले देखेंगे या फिर गूगल या फिर यूट्यूब में सर्च करके देखेंगे तो समझ जाएंगे। और जो नौसेना थी, इन्होंने नौसेना का भी विकास किया था। चोल वंश के बाद में मराठे थे जिन्होंने नौसेना का महत्व समझा था और अपनी नौसेना बनाई थी। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई, तो शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इनकी जो पत्नी थी पुतलीबाई, इनकी तीन पत्नी थी, सबसे बड़ी थी साईंबाई निम्बालकर, फिर थी सौर्याबाई और फिर थी पुतलीबाई। तो जो पुतलीबाई थी वो इनके साथ सती हो गई थी, इनकी जो एक पत्नी थी। और जो सौर्याबाई थी उनको इन्होंने महारानी घोषित किए थे। और जो साईंबाई निम्बालकर थी वो उनके पुत्र का नाम था संभाजी या शाहजी, ऐसा कुछ था। आगे हम जानेंगे संभाजी का जन्म कब हुआ, तो संभाजी का जन्म हुआ था 1657 में। मैं आपको बता दूं कि जो संभाजी नाम से एक और व्यक्ति हुए थे जो छत्रपति शिवाजी के भाई थे। शिवाजी की पहली पत्नी का नाम था साईंबाई निम्बालकर या फिर साईंबाई निम्बालकर, जो दूसरी पत्नी का नाम था पुतलीबाई और तीसरी पत्नी का नाम था सौर्याबाई। इनकी तीन पत्नियां थी। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि मराठों का स्वतंत्र युद्ध कब हुआ। मराठों का स्वतंत्र युद्ध 11वां अध्याय आता है, तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है कि संभाजी की हत्या किसने की थी। तो संभाजी की हत्या मुगलों ने की थी। संभाजी मूल रूप से जो शिवाजी थे उनके भाई थे, यानी कि जो शाहजी भोसले थे उनकी दूसरी पत्नी के बेटे का नाम था, माफ़ कीजिएगा, जो इनकी माता थी जीजाबाई, उनके दो बेटे थे, एक थे संभाजी और दूसरे थे शिवाजी। जब इनके पिता बेंगलोर शिफ्ट हो गए और इनकी माँ को उन्होंने छोड़ दिया अकेला, तो माँ के साथ थे शिवाजी और पिता के साथ थे संभाजी। बाद में जब संभाजी युद्ध कर रहे थे मुगलों के खिलाफ, तो फिर इनकी हत्या हो जाती है। संभाजी के बाद मराठा नेतृत्व किसने किया, राजा राम ने किया। फिर तीसरा आता है गुरिल्ला पद्धति के अद्वितीय सैनिक कौन थे, संताजी। फिर आता है राजा राम की मृत्यु कब हुई थी, 1700 में हुई थी। दोस्तों आप चाहें तो इस वीडियो को रोक कर यहीं पर आप शिवाजी के पूर्वजों के बारे में पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के बाद में वो माइग्रेंट होकर महाराष्ट्र तक पहुँचे और कैसे शिवाजी तक पहुँचे। वही दूसरा फैक्ट ये है कि जो शिवाजी की शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी थी उनका नाम था तुकाबाई, और 1630 में उनका एक बेटा होता है ब्योकोजी, और जे आगे चलकर तंजौर में मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर शाहजी भोसले की जो विवाह की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी वो भी आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं इस वीडियो को रोक कर। और यहाँ पर से ये भी क्लियर हो सकता है कि शिवाजी के दो भाई थे, यानी कि 6 पुत्रों में से 2 जीवित रहे, एक थे संभाजी और दूसरे थे शिवाजी। शाहजी ने मोहिले परिवार की कन्या से दूसरा विवाह किया था। दोस्तों अभी तक हमने शिवाजी और उनके पूर्वजों के बारे में थोड़ा बहुत जाना, लेकिन यहाँ पर हम कुछ नया जानते हैं। दोस्तों शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे शाहजी भोसले, उनके विवाह की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि उनकी माताजी जीजाबाई यादव वंश से संबंधित थी, देवगिरी के यादव वंश से, और उनके पिता जाधवराज लुकजी जाधवराज देवगिरी के राजा थे और उनके ही यहाँ काम करते थे मालोजी भोसले। मालोजी भोसले के पुत्र थे शाहजी भोसले, यानी कि शिवाजी महाराज के दादाजी थे मालोजी। हुआ ये कि होली का त्यौहार था और लुकजी जाधवराज ने अपने सभी अधिकारियों को दावत पर बुलाया था, तो मालोजी भोसले अपने छोटे से अल्पवयस्क पुत्र शाहजी भोसले के साथ पहुँचे। और जो लुकजी जाधवराज के
पुत्री थी जीजाबाई, वो भी कम उम्र की थी। दोनों को साथ में बैठा दिया गया तो मजाक में लुकजी जाधव राज ने पूछा कि दोनों कैसे लग रहे हैं। तो मालू जी ने उच्च स्वर में कहा कि दोनों की सगाई हो गई और सभा उसकी साक्षी है। ये बात उन्होंने कही। ये बात मालू जी को पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि एक नौकर ये बात कैसे कर सकता है। और धीरे धीरे दोनों में अनबन होने लगी और मालू जी को नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद में मालू जी ने निजाम साहब की नौकरी की और धीरे धीरे अपना वैभव बढ़ाया और कुछ मंदिरों का निर्माण करके और मस्जिद का निर्माण करके प्रसिद्धि पाली। और आगे चलकर मलिक अंबर के साथ इन्होंने काम किया, जो कि आदिल शाह का, निज़ाम शाही का प्रधानमंत्री था निज़ाम शाह साम्राज्य में। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए और आगे चलकर निज़ाम शाह ने इन्हें एक जागीर भी दे दी। हुआ ये कि अब ये लुकजी जाधव राज से काफ़ी बड़े व्यक्ति बन चुके थे और कुछ मंदिरों या फिर मस्जिद के निर्माण के कारण, उनके जीर्णोद्धार करवाने के कारण इनकी प्रसिद्धि सामाजिक रूप में जाधव राज से ज़्यादा हो चुकी थी। जो मालू जी थे उन्होंने मलिक अंबर से कहा और मलिक अंबर ने निज़ाम शाह से कहा विवाह के लिए, और निज़ाम शाह के दबाव में आकर लुकजी जाधव राज ने इनका विवाह करवा दिया। क्योंकि जो लुकजी जाधव राज थे वो भी निज़ाम शाह के अंतर्गत ही एक छोटे से शासक थे। इस तरह दोनों का विवाह 5 नवंबर 1605 को संपन्न हो गया। 1620 में मालोजी, जो कि शिवाजी के दादाजी थे, उनका निधन हो गया। और इसके बाद 26 वर्षीय शाहजी भोसले को अपने परिवार को संभालना पड़ा। दोस्तों, शाहजी और जो जीजा बाई था, इन दोनों का वैवाहिक संबंध अच्छा ना होने के कारण की यह वजह भी थी, क्योंकि दोनों के बीच में अनबन थी। क्योंकि जो जाधव राज थे वो पहले निज़ाम शाह के साथ में थे, आगे चलकर ये मुगलों के पक्ष में आ गए और निज़ाम शाह और मुगल दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। इसलिए शाहजी भोसले को अपने ससुराल वालों से टकराना पड़ा और इस कारण कहते हैं कि जो पारिवारिक कलह थी उसके कारण जीजाबाई और शाहजी भोसले बाद में एक नहीं हो पाए। इसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव आता है मराठों का स्वतंत्र युद्ध। इसमें पहला आता है कि संभाजी की हत्या किसने की थी, मुगलों ने। दूसरा आता है संभाजी के बाद मराठा नेतृत्व किसने किया, राजा राम ने। गुरिल्ला पद्धति के अद्वितीय सैनिक थे संताजी। और राजा राम की मृत्यु कब हुई, 1700 ईस्वी में। इसके बाद में बार बार अध्याय है कि राजा राम के बारे में, तो हम राजा राम के बारे में जानते हैं। राजा राम का जन्म 1670 में हुआ था और 1689 में संभाजी की मृत्यु के बाद में 16 फरवरी 1689 को राजा राम गद्दी पर बैठे थे और राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, इसके बाद में इनकी जो पत्नी थी ताराबाई, वो अपने अल्पवयस्क पुत्र को लेकर गद्दी पर बैठी। ताराबाई का जन्म मोहिते परिवार में हुआ था 1675 में और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। और ताराबाई ने 1700 से लेकर 1707 तक शासन किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद में शिवाजी के दूसरे पुत्र संभाजी द्वितीय को मुगलों ने अपनी कैसे छोड़ दिया। वो ये चाहते थे कि ये आपस में गद्दी के लिए लड़े और मराठे कमज़ोर हो जाएं, और हुआ भी यही। ताराबाई और संभाजी का संघर्ष हुआ और मराठे दो भागों में बट गए। इसके बाद में हम 14वां चैप्टर देखते हैं, छत्रपति साहू महाराज। तो पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि साहू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 1682 में इनका जन्म हुआ था। और साहू की अंतरिम कठिनाइयाँ क्या थी, तो वह थी ताराबाई। ताराबाई का यथावत तीव्र विद्रोह, और दूसरा आता है सामंतों द्वारा पक्ष पलटना, और तीसरा है अनियंत्रित सामंत। फिर तीसरा आता है कि साहू महाराज की मृत्यु कब हुई, तो 1749 में। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे नहीं जाएंगे, पूछे वही जाएंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि शिवाजी से संबंधित या फिर उनके माता से संबंधित, पिता से संबंधित। और आगे चल के जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको ये समझना है कि प्राथमिकता देनी है, कौन सा प्रश्न कब पूछा जाएगा। जैसे कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की, शिवाजी महाराज, ये बहुत प्रायोरिटी में है। उनकी प्राथमिक शिक्षा किससे मिली, प्रभाव किस पर ज़्यादा पड़ा, शिवाजी महाराज पर ही डिपेंड है पूरा मराठा साम्राज्य। और आगे आने वाले पेशवाओं से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव पढ़कर अपनी तैयारी को अच्छी रखना है।
साहू की वह कठिनाइयाँ क्या थी, बाहरी कठिनाइयाँ क्या थी? तो साहू की बाहरी कठिनाइयाँ थी बहादुर शाह द्वारा उत्पन्न कठिनाइयाँ, निज़ाम का षड्यंत्र और पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के विरोध। इसके बाद में 15वां अध्याय आता है साहू, ताराबाई तथा संभाजी द्वितीय। राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा शासक की बागडोर ताराबाई ने संभाली। इसके बाद खेड़ा का युद्ध होता है 1707 में। खेड़ा का युद्ध मराठा साम्राज्य की गद्दी के लिए हुआ था और इसमें संभाजी विजय होते हैं, माफ़ कीजिएगा, इसमें साहू विजय होते हैं और 1708 में साहू अपना राज्य अभिषेक करवाते हैं। फिर परसोजी भोसले की मृत्यु कब हुई? तो 1710 में परसोजी भोसले की मृत्यु हुई। ये मराठा साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। पेशवाओं के उदय के कारण अगला चैप्टर आता है, तो किस छत्रपति के काल में पेशवाओं का उदय हुआ? तो साहू महाराज के काल में पेशवाओं का उदय हुआ, यानी कि पेशवा वंशानुगत कब से हुए? तो साहू महाराज के काल से हुए। दूसरा आता है पेशवाओं के उदय के क्या कारण थे? पहला साहू की कठिनाइयाँ, दूसरा मराठों सरदारों की स्वार्थपरता और तीसरा अष्ट प्रधान व्यवस्था की दुर्बलता। मंत्रिपरिषद में अब पेशवा से ज़्यादा शक्तिशाली और कुछ नहीं था, इसलिए आपको ये जानना चाहिए कि जो शिवाजी थे उनके ही काल से ये परंपरा चली आ रही थी कि जो शासक होता था उसकी सील के साथ साथ पेशवा की सील होना भी अनिवार्य होता था। फिर आता है बालाजी विश्वनाथ किस परिवार का व्यक्ति था? तो वह भट्ट परिवार का व्यक्ति था और बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, इनका जो शासनकाल था वो था 1300 से लेकर 1320 तक। ये एक प्रकार से प्रधानमंत्री थे। छत्रपति वाली व्यवस्था भी चली आ रही थी। छत्रपति ये होते थे कि अब वो अपनी राजधानी से शासन संभालते थे और पेशवा जो होते थे वो उनका राज्य विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। एक प्रकार से पेशवा अब मराठा साम्राज्य की मुख्य शक्ति बन चुके थे। बालाजी विश्वनाथ का जन्म 1660 में हुआ था और बालाजी विश्वनाथ 1713 में क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, पेशवा बनते हैं। पेशवा बनते हैं, माफ़ी चाहूँगा, बहुत लंबा वीडियो है इसलिए मेरी हवा टाइट हो गई। अभी पानी पीकर, ब्रेक लेकर, तरोताज़ा होकर मैं आया हूँ और अब पूरा वीडियो ख़त्म करके ही मैं यहाँ से उठने वाला हूँ। आप भी वीडियो देखने के दौरान थोड़ा रिफ्रेश हो सकते हैं ताकि आप पूरा ध्यान लगाकर चीज़ों को समझ सकें। और प्लीज़ 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना, भले ही लाइक मत करना, कमेंट मत करना, सब्सक्राइब मत करना, वो आपकी मर्जी है, लेकिन चीज़ों को अगर आप समझ सकते हैं और आपके ये काम कोई चीज़ आई तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सही था। बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा बनते हैं और वो दिल्ली की यात्रा करते हैं 1719 में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो बालाजी विश्वनाथ थे इन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया था और कुछ समय वहाँ पर रहकर ये वापस आए थे। पेशवा बनने के बाद बालाजी ने क्या प्रमुख कार्य किए? तो जो विद्रोही सामंत थे इनके कान्होजी आंग्रे, उनके साथ समझौता किया, दामोदर थोराट का दमन किया और उदाजी चौहान की शक्ति पर नियंत्रण किया। कुल मिलाकर इन्होंने जो इस समय अन्य मराठा सामंत अपनी अपनी अकड़ दिखा रहे थे उन्हें नष्ट करने का काम इन्होंने किया था। फिर आते हैं कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु कब हुई? तो 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इनके बाद इनका पुत्र पेशवा बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं 1720 से लेकर 1740 तक। बाजीराव का जन्म हुआ था 1700 में और बाजीराव की पेशवा पद पर नियुक्ति 1720 में हुई थी, यानी कि मात्र 20 वर्ष की आयु में ये पेशवा बन गए थे। और बारना की संधि इन्होंने 1731 में की थी और डभई का युद्ध 1731 में हुआ था, यानी कि युद्ध के बाद संधि हुई थी। फिर हम देखते हैं कि बाजीराव के प्रमुख कार्य कौन से थे। आपको ये पता रहना चाहिए कि बाजीराव प्रथम ही ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र, तो इनके प्रमुख कार्य थे सैनिक शक्ति का संगठन किया और फिर से इन्होंने मराठा साम्राज्य को वैसे ही बना दिया जैसे शिवाजी महाराज ने बनाया था। मराठा संघ का इन्होंने संगठन किया और राष्ट्रीय पुनरुत्थान किया। आपको पता होना चाहिए कि इन्हें द्वितीय शिवाजी के नाम से भी जाना जाता है, किसे? बाजीराव प्रथम को। फिर इसके बाद हम देखते हैं बालाजी बाजीराव।
बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक रहे और बालाजी बाजीराव को ही इतिहास में नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा पद पर बालाजी बाजीराव को नियुक्त किया गया, यानी कि नाना साहेब को नियुक्त किया गया। और इनका जन्म हुआ था 1721 में इनका जन्म हुआ था, यानी कि ये भी 19 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गए थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि संभाजी की मृत्यु कब हुई। तो संभाजी की मृत्यु 1760 में हुई थी। पेशवा अलग से शासन कर रहे थे और छत्रपति भी शासन कर रहे थे। जैसे कि आज हम भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था देखते हैं, इसमें राष्ट्रपति भी क्रम से चले आते हैं और जो अलग अलग चुनाव के माध्यम से प्रधानमंत्री भी क्रम से चले आते हैं। लेकिन प्रभाव ज़्यादा किसका होता है, तो प्रधानमंत्री का प्रभाव ज़्यादा होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि राष्ट्रपति किसी काम का नहीं, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई काम नहीं होता है। ठीक इसी तरह मराठा साम्राज्य में था, राष्ट्रपति यानी कि छत्रपति और प्रधानमंत्री यानी कि पेशवा। हालांकि यहाँ पर चुनाव के जरिए पेशवा चुनते हैं, वहाँ पर पेशवा वंशानुगत थे। दोस्तों, 1737 में निजाम के विरुद्ध हुई संधि कहलाई दुराई सराई की संधि। 1737 में निजाम के विरुद्ध हुई थी। फिर उदगीर की लड़ाई कब से कब तक चली, तो 1758 से 1760 तक उदगीर की लड़ाई चली। बालाजी बाजीराव की मृत्यु कब हुई थी, तो 1761 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761, इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहला आता है कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1526 में। किसके किसके मध्य हुआ था, तो आई थिंक इसकी डेट थी 21 अप्रैल और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, ये हुआ था अकबर और हेमू के मध्य में। और इसको हरा कर अकबर ने फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, यानी कि दोबारा मुगल दिल्ली की सत्ता पर आ गए थे। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जो तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ, वो हुआ 14 जनवरी 1761 को, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठे मूल रूप से मुगलों के प्रतिनिधि के रूप में अब्दाली से लड़े थे और जो अहमद शाह अब्दाली था वो नादिर शाह का सेनापति था। और नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और मयूर सिंहासन उठाकर ले गया था। और उसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा था। और उसके कुछ सालों बाद उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली आया और इसने भी भारी तबाही मचाई थी। दोस्तों, तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों का किसके साथ युद्ध हुआ था, तो अब्दाली के साथ हुआ था जो कि अफगान थे। और तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के क्या कारण थे, पहला तो पेशवा का उत्तरदायित्व। पेशवा का कुछ उत्तरदायित्व इन्होंने निभाया नहीं था और भाऊ जो कि वहाँ पर सेनापति के रूप में थे उनकी भी उत्तरदायित्व नहीं था। और तीसरा त्रुटिपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, जब हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से बता दूं कि इन्होंने बहुत समय तक इंतजार किया और जब आक्रमण करना था तब तो नहीं किया, वेट करते रहे। और जब सामने वालों ने इन पर आक्रमण किया तो इनके पास रसद सामग्री नहीं थी और राशन भी नहीं बचा था, इसलिए इन्हें हार का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी वजह कि युद्ध हुआ था पानीपत के मैदानी क्षेत्र में और ये जानते थे कि मैदान में लड़ने में ये कुशल नहीं है, ये छापा मार पद्धति में कुशल हैं। उसके बावजूद इन्होंने मैदान में युद्ध लड़ना अधिक अच्छा समझा, जबकि ये छापा मार पद्धति के लिए पहले ही आक्रमण करके आसानी से अब्दाली को हरा सकते थे। फिर इसके बाद तृतीय पानीपत का युद्ध किस पेशवा के काल में हुआ, तो बालाजी बाजीराव नाना साहब के शासनकाल में इनका युद्ध हुआ था। फिर हम देखते हैं कि माधव राव प्रथम 1761 से लेकर 1772 तक ये पेशवा रहते हैं। माधव राव का विरोधी पेशवा उसका चाचा रघुनाथ राव था। ये चाचा भतीजे की लड़ाई चलती रहती है और इन्हें में ही मराठा साम्राज्य निपटने लगता है। माधव राव की पेशवा पद पर नियुक्ति 1761 में हुई थी और फिर होता है कनकपुर का समझौता 1769 में। हम देखते हैं कि माधव राव की क्या उपलब्धियां थी। माधव राव का प्रशासन संचालन बहुत अच्छा था और मराठा साम्राज्य की ये पहली
पुनर्स्थापना करते हैं और ये बहुत अच्छे शासक माने जाते हैं। इन्होंने भी वही कार्य किए जो बाजीराव प्रथम ने किए थे, और माधवराव की मृत्यु हो जाती है 1772 में। फिर माधवराव प्रथम पेशवा के बाद कैसे इनका पतन हुआ पेशवाओं का या फिर मराठा साम्राज्य का, वो हम देखते हैं। पेशवा नारायण राव आता है इनके बाद 1772 से 1773। फिर आते हैं माधव नारायण राव द्वितीय 1774 से 1775, और फिर पेशवा बाजीराव द्वितीय आते हैं 1796 से लेकर 1718। इस तरह से ये 7-8 पेशवा हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से याद करना है, इनके सन आपको अच्छे से याद करना है। मैं एक अलग से वीडियो और बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें सिर्फ पेशवा के बारे में हो और एक वीडियो में सिर्फ छत्रपति के बारे में हो, ताकि आपको क्लियरिटी मिले। साथ ही आप यहाँ पर सर नोट कर लीजिएगा 8 पेशवाओं के बारे में, और आपको इनके बारे में अच्छे से इनका टाइम पीरियड याद रखना है, और कोशिश करनी है कि ये भी पता हो कि किस पेशवा के समय कौन छत्रपति था यानी कौन राजा था। तो माधव राव की मृत्यु के बाद पेशवा बना नारायण राव, जो कि उसका उत्तराधिकारी था। नारायण राव गद्दी पर कब बैठा, तो 1772 में। बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब के पुत्र थे विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव, उनके तीन पुत्र थे। रघुनाथ राव ने सूरत की संधि अंग्रेजों से की इसके बाद में, और फिर महादत्तजी सिंधिया और नाना फडणवीस आते हैं। नाना फडणवीस को हम वैसे ही मान सकते हैं मराठा साम्राज्य में, जैसे हम मौर्य साम्राज्य में हम मानते हैं चाणक्य को या कोटिले को, क्योंकि नाना फडणवीस के दम पर ही मराठा एक ऐसी शक्ति बने रहे जो अंदर से बहुत कमजोर थी, लेकिन अंग्रेजों को पता नहीं चलने दिया कि कमजोर हो गए। जैसे ही नाना फडणवीस का देहांत होता है, वैसे ही मराठों का भी पतन हो जाता है। यहाँ पर महादत्तजी सिंधिया, जो कि सिंधिया वंश का संस्थापक था, ये 1727 में इसका जन्म हुआ, और लाल सोट का युद्ध कब हुआ, तो 1780 में, और महादत्तजी सिंधिया की मृत्यु कब होती है, 1793 में होती है। नाना फडणवीस के बारे में बात करते हैं, इनका जन्म होता है 12 फरवरी 1742, और इनकी मृत्यु होती है 18 मार्च 1800, और इनकी मृत्यु के 18 वर्ष बाद ही मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाता है। अंग्रेजों और मराठों के संबंध के बारे में हम जानते हैं, और इनके बीच हुए विभिन्न युद्धों से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम देखते हैं। अंग्रेजों ने राघोबा से सूरत की संधि कब की थी, 1775 में इन्होंने राघोबा से सूरत की संधि की थी। राघोबा यानी कि रघुनाथ राव, इसलिए याद रखिएगा कि रघुनाथ राव कौन है, राघोबा, और राघोबा कौन है, रघुनाथ राव। सालवाई की संधि कब हुई थी, 1782। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, सालवाई की संधि 1782, और ये अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए इसे अच्छे से याद रखिएगा। देवगांव की संधि कब हुई थी, 1802 में, ये भी महत्वपूर्ण है। हेस्टिंग्स कब भारत का गवर्नर जनरल बना, तो 1813 से 1823 तक ये रहा था। हेस्टिंग्स से कन्फ्यूज मत होइएगा, एक वॉरेन हेस्टिंग्स नाम का गवर्नर आया था, वो था 1773 में, और ये हेस्टिंग्स ये दूसरा व्यक्ति है, ये आया है 1813 में। अब हम देखते हैं मराठा प्रशासन, और हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही मराठों का पतन हो जाता है 1818 की संधि के साथ ही, इसीलिए ये याद रखिएगा कि किस गवर्नर के शासनकाल में मराठों का पतन हुआ, तो वो है हेस्टिंग्स। मराठा प्रशासन की बात करते हैं 1674 से लेकर 1818, क्योंकि 1674 में शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवाया, और 1818 में पतन हो गया। मराठा शासन के अंतर्गत मराठों का स्थायी निवास स्थान क्या था, स्वराज यानी कि देश था। इन्होंने बांटा था, जैसे अलग अलग भागों में बांटा था। जब हम इनकी व्यवस्था पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि स्वराज का प्रमुख कौन होता था, फिर उससे नीचे क्या होता था, इस प्रकार से इनकी व्यवस्था समझेंगे। मराठा वतन पर किसका नियंत्रण माना जाता था, सेना नायक और विजेताओं का। मराठा साम्राज्य का प्रधान था छत्रपति। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव आता है कि गांव का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता था, तो पटेल या पाटिल गांव का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, एक प्रकार से सरपंच होता था। और नगर का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था कोतवाल। शिवाजी महाराज के बाद मराठा नौसेना का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, किसे, कान्होजी आंग्रे को।
इन्होंने मराठा नौसेना के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कान्होजी आंग्रे की मृत्यु होती है 1729 में। मराठा या फिर महाराष्ट्र का धर्म के विषय में हम जानते हैं, क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी ने अपने साम्राज्य की स्थापना की उस समय या उससे पहले से ही महाराष्ट्र में संत आंदोलन या भक्ति आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहे थे, और भारत में भी इस समय भक्ति आंदोलन का दौर था। 14वीं 15वीं शताब्दी के दौरान महाराष्ट्र धर्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस लोकप्रिय मराठी ग्रंथ में हुआ है, तो गुरुचरित्र में महाराष्ट्र धर्म शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था। महाराष्ट्र धर्म का महत्व क्या है, तो व्यापकता, जातिगत संकीर्णताओं का विरोध, भक्ति की प्रभुता, ये सब महाराष्ट्र धर्म की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। भगवद गीता का मराठी भाषा में व्याख्या किसने किया, तो संत ज्ञानेश्वर ने किया। महाराष्ट्र के वारकारी संप्रदाय को शुरू करने का श्रेय गुरु रामदास को जाता है। फिर इसके बाद में 27वां अध्याय आता है कि स्वराज, चौथ एवं स्वदेशमुखी। स्वराज के अंतर्गत मुख्य कितनी रियासतों का समावेश होता था, 16। स्वराज का मतलब साम्राज्य से है या फिर देश से है, ये अपने देश को, अपने साम्राज्य को स्वराज कहते थे। चौथ से क्या अभिप्राय है, राज्य का चौथा हिस्सा चौथ कहलाता था। स्वदेशमुखी क्या है, तो स्वदेशमुखी राजस्व का 10वां हिस्सा है। शिवाजी तथा जयसी के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई, 1665 में हुई, और ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि कब हुई, 1665 में हुई। इसके बाद में 28वां और आखिरी अध्याय हम देखते हैं, मराठा कला एवं साहित्य। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत कवि कौन कौन थे, वे थे एकनाथ, ज्ञानेश्वर, रामदास। आप चाहें तो मेरे चैनल में एनसीईआरटी हिस्ट्री में एक चैप्टर होगा, कक्षा 7वीं का 11वां चैप्टर, 10वां या 11वां चैप्टर है, उसका नाम है भारत में ईश्वर के प्रति, इस तरह से एक चैप्टर होगा जिसमें भक्ति आंदोलन के बारे में बताया गया है। उसमें आप महाराष्ट्र के संत आंदोलन के बारे में भी पूरा पढ़ सकते हैं। दुर्गे के प्रधान द्वारा किस मूर्ति का निर्माण किया जाता था, तो हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण किया जाता था। मराठा भवनों की रचना किस प्रकार की है, तो चतुर्भुजाकार की है। प्रारंभिक अवस्था में मराठा प्रदेशों में जल निकास के स्रोत कौन कौन से थे, तो हौज, पुल या बांध जल निकास के प्रमुख स्रोत थे। इस प्रकार से हमने मराठा इतिहास कि सभी विकल्पों का प्रश्न कर दिया, सॉल्व कर दिए हैं। आप किसी भी कॉलेज के हैं या फिर किसी भी क्लास के हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी क्यों ही ना कर रहे हों, अगर मराठों से जुड़ा कोई वैकल्पिक प्रश्न आता है तो इनसे संबंधित होगा। और मैं ये पूरी तरह नहीं कहता कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला, लेकिन 90% प्रश्न इनसे आएंगे, क्योंकि मराठों का इतिहास इतना ही है। और आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब आप इस चैनल के मराठा प्लेलिस्ट में जाएंगे और मराठों से संबंधित सभी लेक्चर्स को देखेंगे। हालांकि मैं अभी वीडियोस बनाने की शुरुआत कर रहा हूँ और लगातार स्पीड से वीडियो बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपका काम का होगा, और आप कमेंट करके बताएंगे कि आप और किन को टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं, और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, आपके व्यक्तित्व और खूबसूरती में निखार लाने का एक आसान तरीका है मुस्कुराहट। आप कितने ही बदसूरत क्यों न दिखते हों, आप कितने ही बेडोल क्यों ना हो, आपका रंग कुछ भी हो, लेकिन आप जब मुस्कुराते हैं तो आप खूबसूरत लगते हैं। इसीलिए अपने आप को खूबसूरत बनाइए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।